नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो देखेंगे सिंगल फेज एसी पैरेलल सर्किट, तो बहुत इम्पोर्टेंट है सिंगल फेज एसी सीरीज, उसके साथ सिंगल फेज एसी पैरेलल सर्किट। इसमें जो है रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ प्योर इंडक्टर, रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ कैपेसिटर, ठीक है, और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड इंडक्टर इन पैरेलल विथ कैपेसिटर्स, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और जो कुछ डेफिनेशंस है जैसे एडमिटेंस, कंडक्टेंस, सबसेप्टेंस वगैरह और कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो देखते हैं आगे, तो इसमें देख सकते हैं ये पैरेलल सर्किट में आर और एल जो है पैरेलल में कनेक्टेड है, और ये जो है इसका फेजर डायग्राम आर और एल में जो है, और कुछ फॉर्मूला देखे हैं तो उसी को हम लोग आगे देखते हैं। तो आर एल पैरेलल एसी सर्किट, तो दो ब्रांच में आर और एल जो है पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आर के वहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसको IR से दर्शाए, जो है सप्लाई वोल्टेज के इन फेज में रहेगा, है ना। IR इज इन फेज विथ सप्लाई वोल्टेज V, और जो करंट इंडक्टर में जो फ्लो हो रहा है उसको IL से दर्शाया गया है, और वो जो है लैग करता है 90 डिग्री से सप्लाई वोल्टेज का। तो सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री से वो लैग करेगा। तो सर्किट देख लीजिए, तो सर्किट में देख सकते हैं कि ये फेजर डायग्राम है और ये सर्किट डायग्राम जिसमें आर और एल पैरेलल में कनेक्टेड है, उसको अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज देखे है, और ये जो है टोटल करंट, और ब्रांच में एल में IL करंट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस में IR। तो इस प्रकार से ये सर्किट है, और ये फेजर डायग्राम देख सकते हैं सप्लाई वोल्टेज, इसमें जो है करंट डिफरेंट रहता है ना ब्रांच में, तो वोल्टेज के इन फेज में है IR करंट जो रेजिस्टेंस में है, और जो इंडक्टर के वहाँ का जो करंट है IL वो 90 डिग्री से लैग करता है सप्लाई वोल्टेज से, इसलिए ये IL जो है वो, ठीक है। तो टोटल करंट, तो सप्लाई करंट इज इन फेजर डायग्राम ऑफ IR एंड IL, इसलिए दस टोटल करंट I जो है वो लैग करेगा सप्लाई वोल्टेज से 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो ये है टोटल करंट का फॉर्मूला रूट पाइथागोरस थ्योरम के मेथड से, रूट I स्क्वायर प्लस IL स्क्वायर, IR स्क्वायर प्लस IL स्क्वायर, और जो IR करंट है दैट इज़ V बाय R, और IL जो है V बाय XL, और फाइ जो निकालेंगे टेन फाइ। तो देख सकते हैं वो जो फेजर डायग्राम था उसमें VR जो है, IR जो है वो VR के इन फेज में था यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में, और IL जो है वो 90 डिग्री लैग पे थे। तो ये है हमारा IR करंट थ्रू रजिस्टर, और ये जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये है IL करंट थ्रू इंडक्टर, और दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा वो हमारा टोटल करंट होगा, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा टोटल करंट, सप्लाई करंट जो है I है वो है। तो देख सकते हैं ये है वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट जो है I लैग कर रहा है, ये 90 0 90 के बीच में रहेगा 5 डिग्री से, और अगर इसको ट्रायंगल बनाए करंट ट्रायंगल, IR हॉरिजॉन्टल में लेंगे और IL वर्टिकल में लेंगे, तो इस प्रकार से
यहाँ पे ये देखिए, ये डायगोनल में जो है वो टोटल करंट आई, ये हॉरिजॉन्टल में आई आर, और वर्टिकल में ये जो है आई एल। ठीक है, तो ये फाइव डिग्री, तो टेन फाइव इज इक्वल टू टेन बोले तो एडजेसेंट बाय अपोजिट, अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो अपोजिट में फाइव डिग्री के अपोजिट में है आई एल और एडजेसेंट में आई आर। ये हमारा फाइव डिग्री, ठीक है, और साइन फाई जो होगा वो आई एल बाई आई, कॉस फाई जो होगा आई आर बाई आई, तो इम्पिडेंस का इम्पिडेंस जो होगा वो वी बाई आई। तो ये है टोटल करंट का फार्मूला, ये है तुम्हारा आई आर का फार्मूला, ये है आई एल का फार्मूला, और यह है तुम्हारा फाई का, टेन फाई साइन फाई कॉस फाई। तो इस प्रकार से अभी एक न्यूमेरिकल से देखते हैं। तो ये 20 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द इंडक्टर ऑफ 2.387 मिली हेनरी अक्रॉस 60 वोल्ट 1 किलोवाट सप्लाई, कैलकुलेट द करंट इन इज ब्रांच द सप्लाई करंट। तो हमको सप्लाई करंट निकालना है ना, तो ईच ब्रांच यानी रेजिस्टेंस का वहाँ का करंट कितना है, इंडक्टर के वहाँ का सप्लाई टोटल सप्लाई करंट कितना है, फेज एंगल कितना है, और इम्पिडेंस कितना है जेड, और पावर जो है वो पी कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो ये देख सकते हैं कि ये सर्किट है जिसमें देखेंगे कि आर और एल जो है पैरेलल में कनेक्टेड है और उसके सप्लाई वोल्टेज वी है। तो आई आर जो फार्मूला है वी बाई आर आएगा 60/20, दैट इज इक्वल टू 3 एम्पियर, और करंट फ्लोइंग इन द इंडक्टेंस आई एल, तो वी का वैल्यू है 60 और एक्स एल का 2πfL, है ना। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे सभी का तो 4 एम्पियर आएगा, तो इंडक्टर के वहाँ का जो करंट है वो 4 एम्पियर। और जो फेजर डायग्राम है टोटल करंट हमको निकालना है, तो रूट आई स्क्वायर आर प्लस आई एल स्क्वायर, तो फार्मूला में वैल्यू पुट कर दिए 3² + 4² स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ये है हमारा टोटल सर्किट का करंट, फेजर सम ऑफ आई आर एंड आई एल। अब फेज एंगल जो है फाई, वो फार्मूला है टेन इनवर्स ऑफ आई एल बाई आई आर, और टेन इनवर्स ऑफ आई एल का वैल्यू है 4, आई आर का 3, तो उसको निकाले तो 53.13 लैगिंग। तो लिखना ज़रूरी है कि करंट का ये जो एंगल है फेज एंगल लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है, तो ये इंडक्टिव है, आर एल सर्किट है तो इसलिए लैगिंग कर रहा है। अब सर्किट का इम्पिडेंस जेड इज इक्वल टू वी बाई आई, फार्मूला जेड वी का 60 एंड आई का 5, तो 12 ओम। अब पावर निकालना है, पावर कंज्यूम पी इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, अब वी 60 आई 5 और कॉस 53.13 निकलता है 180 वाट। तो पावर निकालने का अल्टरनेट फार्मूला भी आई स्क्वायर आर करके उससे भी निकाल सकते हैं, तो उसमें पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई टू द बेस आर यानी रेजिस्टेंस को वहाँ का जो करंट है उसको लेना है, और रेजिस्टेंस वो आई स्क्वायर आर फार्मूला में वैल्यू पुट कर दिया 3² × 20, वैल्यू पुट कर दिया 3² × 20 दैट इज इक्वल टू 180 वाट। तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल हम लोग देखें। तो आशा करता हूँ हम लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करो। धन्यवाद।